चिता निकल जाती है, एक बड़ी चिंता हट जाती है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये मैं आज आप सभी के चेहरे पर देख रहा हूं, आपके उत्साह में देख रहा हूं, आपकी गर्मजोशी को अनुभव कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का एक उत्तम अवसर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिला। प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से आपको आपके अपने घर, अपनी जमीन, अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, उस पर संपूर्ण अधिकार मिला, संपूर्ण अधिकार। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों के इस अधिकार से दूर रखा था, जिन्होंने तरह तरह के रोड़े अटकाए, वो आज देख सकते हैं कि अपने घर पर अधिकार मिलने की खुशी क्या होती है, वो आज रामलीला मैदान में दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आजादी के इतने दशकों बाद तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल कपट और झूठे चुनावी वायदों से गुजरना पड़ा है। गैर कानूनी, इलीगल, अनऑथोराइज्ड, जेजे क्लस्टर, सिलिंग, बुलडोजर और एक कट ऑफ डेट, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द दिल्ली की एक बड़ी आबादी का जीवन सिमट गया था। चुनाव आते थे तो तारीखें आगे बढ़ाई जाती थी, बुलडोजर का पहिया कुछ समय तक रुक जाता था, लेकिन समस्या वही की वही रहती थी। आपको इस चिंता से मुक्त करने की, इस समस्या के स्थायी समाधान करने की ईमानदारी, नियत इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई। हालत तो ये थे कि लोग कॉलोनियों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां जुटाने के लिए, बाउंड्री तय करने के लिए 2021 लग जाएगा, 2021 का समय बढ़ा दो, ये मांग कर रहे थे। जब गरीब के लिए काम करना होता है, मध्यम वर्ग के लिए काम करना होता है,
तो इनके काम की रफ्तार क्या होती है, ये इनकी इन बातों से पता चलता है जब बेशरम होकर के कहते हैं कि 2021 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के इस रफ्तार को देखते हुए ही हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, न मैं चलने दूंगा। और इसलिए हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया और इस अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में प्रक्रियाएं पूरी की। और अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराया जा चुका है। साथियों, इतने कम समय में टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का यह फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। साथियों, समस्याओं को लटका कर रखना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है और न ही राजनीति का हमारा ये रास्ता है। आप सोचिए, जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, वो खुद क्या कर रहे थे, ये दिल्लीवासियों ने जानना बहुत जरूरी है। जब आपने अपने लिए कुछ मांग रहे थे और दिल से मांग रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में 2000 से ज्यादा बंगले अवैध तरीके से अपने कारोबारियों को दे रखे थे। इन बंगलों के बदले किसको क्या मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। पहले जो सरकार चला रहे थे, उन सरकार वालों ने इन बंगलों में रहने वालों को तो पूरी छूट दी, लेकिन आपके घरों को नियमित करने के लिए कुछ किया भी नहीं। और जब मैं कर रहा था तो रोड़े अटकाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। लेकिन इन्हें पता नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था ये मोदी है।
वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया है। उनके वीआईपी उनको मुबारक, मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं।